हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन्वर्जन के रूल्स। व्हाट इज इन्वर्जन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है जब हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, ठीक है। ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, मैं आपको 6 रूल्स कराऊंगी और उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। आपको जो एसएससी में एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं और सारे एग्जाम्स में, तो उसमें इन्वर्जन का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। काफी मैक्सिमम चांसेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इन्वर्जन का। जब आपका हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है। अब इन्वर्जन में क्या होता है, हम रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल ले लेते हैं, इन्वर्जन इज यूज्ड इन द केस स्टार्टिंग विद हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ठीक है। जो भी सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट होगा या बेयरली से या स्कार्सली से, उसमें इन्वर्जन यूज होगा, ठीक है। प्लस हार्डली, बेयरली, स्कार्सली से जब सेंटेंस यूज होता है तो उसमें वेन का यूज होता है। वो कैसे, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हार्डली आई हैड रीच्ड देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। अब इसमें हम इन्वर्जन का यूज करेंगे क्योंकि आपका हार्डली आ गया, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। तो हार्डली, अब मैंने क्या बताया था, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। सब्जेक्ट आपका आई है तो इसमें हो जाएगा हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, देन नहीं आएगा, देन यूज कभी नहीं होता, हार्डली के साथ होता है हमेशा वेन, वेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो ये है आपका इन्वर्जन का फर्स्ट रूल। अब हम कर लेते हैं इन्वर्जन का सेकंड रूल। इन्वर्जन का सेकंड रूल क्या बोलता है, इन्वर्जन का सेकंड रूल कहता है सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम नो सूनर, ठीक है। जो भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो जाए उसमें हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें इन्वर्जन कैसे यूज हुआ है, और नो सूनर के साथ हमेशा ही देन का यूज होगा, ठीक है। वेन का यूज, जैसे इसमें वेन लिखा है, वेन यूज नहीं होगा, देन होगा, और हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के साथ वेन यूज होगा। अब सेंटेंस देखते हैं, नो सूनर डिड ही सी हिज वाइफ व्हेन ही शॉट हर। अब आपने देख लिया इन्वर्जन ऑलरेडी इसमें यूज्ड है, नो सूनर आ गया तो इन्वर्जन यूज होगा। ही डिड नहीं आया, इसमें डिड ही आया है, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ गई है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो ये बिल्कुल यहाँ से ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, डिड ही सी हिज वाइफ व्हेन ही शॉट हर, यहाँ व्हेन नहीं आएगा, नो सूनर के साथ हमेशा ही हम then का यूज करते हैं, then he shot her, अब होगा हमारा सेंटेंस सही, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है हमारे इन्वर्जन का, थर्ड रूल कहता है सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेयरली, सेल्डम, नेवर, नोवेयर और सो। जो भी सेंटेंस हमारा रेयरली से, सेल्डम से, नेवर से या नोवेयर से या सो से स्टार्ट होगा, उसमें भी हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। नो वेयर आई कैन फाइंड सच मैंगोज। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट है इसमें आई, तो इसमें कैसे हो जाएगा इन्वर्जन का यूज, कैसे होगा, नो वेयर कैन आई फाइंड सच मैंगोज। अब आपके इन्वर्जन हम एक और सेंटेंस में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आई एम थर्स्टी, ठीक है, आई एम थर्स्टी सो आई एम। अब इसमें आप इन्वर्जन कैसे यूज करोगे, अब मुझे बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सो से आपका, अगर सेंटेंस सो से भी स्टार्ट नहीं है तो, पर इसमें आ गया आपका सो सेकंड पार्ट में। अब अगर सेकंड पार्ट में आपका ये सो आ जाए तो आपको कैसे करना है, आई एम थर्स्टी सो आई एम, सो आई एम नहीं होगा, इसमें होगा आई एम थर्स्टी सो एम आई, ठीक है। ये इन्वर्जन का आप ऐसे यूज करेंगे। थर्ड, तीन रूल हो चुके हैं आपके, अब हम करते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल आपका क्या बोलता है, अगर आपके सेंटेंस के सेकंड पार्ट में नाइदर या नॉर यूज हो जाए तब हम वहां पर यूज करेंगे इन्वर्जन को, ठीक है। इफ नाइदर और नॉर कम्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस वी विल यूज इन्वर्जन देयर। फॉर एग्जाम्पल प्रीति डज नॉट कुक नॉर आई डू। अब इसमें आपने क्या देखा, सेकेंड पार्ट में आ गया आपका नॉर, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा, आई डू आ गया आपका, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, डू इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें क्या होना है आपका, प्रीति डज नॉट कुक
नॉर डू आई, ठीक है। इस तरीके से इस सेंटेंस में आप इन्वर्जन को यूज करेंगे। सेंटेंस में जब सेकंड पार्ट में नाइदर या नॉर आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं इन्वर्जन को, ठीक है। अब हम रूल फिफ्थ ले लेते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, जब भी अगर हमारा सेंटेंस इफ इट स्टार्ट्स विद ओनली बाय, ओनली व्हेन, ओनली देन वी यूज इन्वर्जन आफ्टर देम। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओनली बाय शाउटिंग शी कुड अट्रैक्ट द क्राउड, वो सिर्फ चिल्लाने से ही जो है क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी, ठीक है। ओनली बाय शाउटिंग, यहाँ आपने क्या देखा, सेंटेंस ओनली बाय से स्टार्ट हो गया। और हमने क्या लिखा है ऊपर सेंटेंस में, उसमें क्या है रूल में, जब सेंटेंस ओनली बाय से, ओनली व्हेन से या ओनली देन से स्टार्ट हो तो हम उसके बाद इन्वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्वर्जन कैसे यूज होगा यहाँ पर, ओनली बाय शाउटिंग। सबसे पहले आप बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है शी, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी, तो ओनली बाय शाउटिंग कुड शी अट्रैक्ट द क्राउड, ठीक है। आई होप आपको इन्वर्जन का रूल समझ आया होगा कि किस तरीके से लगेगा। बेसिकली गाइज आपको ये बाय हार्ट याद होने चाहिए, इसको या तो रट लो या कुछ भी करो, पर इसको बाय हार्ट याद करो ताकि पेपर में जब भी आइए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब हम रूल सिक्स करते हैं। इसमें रूल सिक्स का क्या बोलता है आपका, रूल सिक्स कहता है सेंटेंस स्टार्टिंग विद इन नो वे अंडर नो सर्कमस्टांस ऑन नो कंडीशन अलोंग द रोड आउटसाइड द गेट सो वेल वी यूज इन्वर्जन इन दीज सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जो भी सेंटेंस इन नो वे से स्टार्ट हो जाए या अंडर नो सर्कमस्टांस से स्टार्ट हो जाए, ऑन नो कंडीशन, ठीक है, अलोंग द रोड, आउटसाइड द गेट, इन सब वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो हम उसमें इन्वर्जन लगाएंगे। अब कैसे लगेगा, अंडर नो सर्कमस्टांस ही विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, किसी भी सर्कमस्टांस में वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे तो ऐसा बहुत ही कम होता है, लड़के लोग तो कर ही लेते हैं, बट स्टिल अब ये एक सेंटेंस है सिर्फ, तो हम देख लेते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांस, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर, सब्जेक्ट कौन है इसमें ही, तो इसमें इन्वर्जन किस तरीके से यूज करेंगे, अंडर नो सर्कमस्टांस विल ही एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है। एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं, अब ये है अंडर नो कंडीशन से, अंडर नो कंडीशन दिस केक मस्ट बी टच्ड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, केक, ठीक है। तो इसमें आप कैसे यूज करोगे, अंडर नो कंडीशन मस्ट दिस केक बी टच्ड, ओके। तो ये आपके हैं इन्वर्जन के रूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा इन्वर्जन कैसे यूज करना है सेंटेंस में। जब भी आपका कोई इस तरीके का सेंटेंस आए तो हमें इन्वर्जन को यूज कैसे करना है, ठीक है। और ये इससे गाइज नो सूनर नो लेटर, इन सबसे सेंटेंस आते ही आते हैं आपके, देन व्हेन, ये कब यूज होगा। तो आई होप आपको ये इन्वर्जन क्लियर हुआ होगा। अब गाइज थोड़े से मैं आपको एक आधा फॉरेन फ्रेजेस होते हैं आपके जो हम यूज करते हैं उसके मतलब बता दूं। अब क्या है आपका, कई जगह लिखा होता है इन टोटो, इन टोटो सेंटेंस में यूज होता है। अब ये क्या है, ये एक फॉरेन वर्ब है, ठीक है, फॉरेन फ्रेज है ये, इसका मतलब होता है एंटायरली। इन टोटो का मतलब एंटायरली, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से। आपने एक और जो है फ्रेजल वर्ब सुनी होगी, फॉरेन फ्रेज सुना होगा ये, नोटा बेने, NOTABENE। अब इसका मतलब क्या होता है, नोटा बेने का कई जगह लिखा होता है ये, तो इसका मतलब होता है नोट वेल, ठीक है, कृपया विशेष ध्यान दीजिए। अब एक और होता है आपका, कई जगह लिखा होता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, कोरम पॉपुलो। कोरम पॉपुलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ पब्लिक, ठीक है। अब कुछ करते हैं इसमें, क्विड प्रोक्यो, क्विड प्रोक्यो, इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट,
टिट फॉर टैट, ठीक है। ये एक फॉरेन फ्रेजेस हैं जो आपके बहुत बार यूज होते हैं और पूछे भी चले जाते हैं, ये पूछे भी जाते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ ए यू फॉन्ड ऑफ, ठीक है, ए यू एफ ओ एन जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फंडामेंटली, फंडामेंटली। फिर हम करते हैं एक सब रोजा, सब रोजा, एस ए बी आर ओ एस ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेटली, एस ई सी आर ई टी एल वाई, सीक्रेटली, ठीक है। ये थोड़े से आपके हैं फॉरेन फ्रेजेस। जैसे एक और है आपका, हम ले लेते हैं डबल इंटेंडर, डबल इंटेंडर, डबल इंटेंडर। आई होप राइटिंग समझ आ रही होगी आपको। डबल इंटेंडर का मतलब होता है आपका डबल मीनिंग, डबल मीनिंग, ठीक है। ये है आपके गाइस कुछ फॉरेन फ्रेजेस, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इन टोटो, इन टोटो का मतलब होता है एंटायरली, नोटा बेने इसका मतलब होता है नोट वेल, कोरम पॉपुलो इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक, क्विड प्रोक्यो इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट, ओफोंड मतलब फंडामेंटली, सब रोजा इज सीक्रेटली, डबल इंटेंडर मीन्स डबल मीनिंग, ओके। जैसे एक मैंने आपको बताया था इंटर आलिया, एक ये और रह गया है, ये और लिख लीजिए आई एन टी ई आर, इंटर आलिया, इसका मतलब होता है आपका अमंग अदर थिंग्स, अमंग अदर थिंग्स, ओके। तो गाइज ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा था आपका, ये मैंने वैसे ही पढ़ा दिया है, तो ये भी आ जाते हैं कई बार फॉरेन फ्रेजेस। अब ये थी आपके इन्वर्जन की एक्सरसाइज, तो आप जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इन्वर्जन के वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, ठीक है। चलो गाइज अब मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगी आपके लिए और रूल्स कराऊंगी, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।